इस संसार में सभी लोग, हम, आप, हम सभी को एक बचपन से अच्छे व्यवहार, अच्छी नैतिकता, अच्छी शिक्षा दी जाती है। चाहे आप गरीब घर में पैदा हुए हो या अमीर घर में, हम बचपन से जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, वो अच्छे व्यवहार और अच्छे संस्कार के अनुसार समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में बुरा ही बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि बचपन से सभी लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह सारा खेल हमारे मन का है। जरा सोचिए, जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसकी इच्छाएं कम होती है, उसके विचार कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है और वही इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसका मन यह सोच भी नहीं पाता है कि उसकी वो कामना अच्छी है या बुरी। बुद्ध कहते हैं, मन ही हमारी सारी प्रवृत्तियों का प्रधान है। यानी हम जो भी कुछ करते हैं वह सब कुछ मन के कारण ही करते हैं। मन के कारण ही हमारे अंदर इच्छाओं का, कामनाओं का जन्म होता है। कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन मैं कहता हूं, मन के मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह सारा खेल मनुष्य के मन का है। यह भ्रम भी दिखाता है, खुशियां भी दिखाता है और आपको दुख भी महसूस होने देता है। और वही दुख के समय आपको लालच भी देता है। मन बोलता है कि इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह रास्ता सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन मन इसे क्लियर नहीं कर पाता है। वह सिर्फ यही सोचता है कि दुख दूर कैसे हो जाए। और ज्यादातर लोग अपने मन के अनुसार ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? क्यों इस तरह का खेल हमारा मन खेलता है? इसे एक छोटी सी कहानी से समझिए। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक गांव में एक गुरु थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वह मन पर विजय प्राप्त कर ली है और वह अब बिल्कुल शांत है। उसके अंदर में किसी भी तरह की कोई बुरी प्रवृत्ति नहीं रह गई है। सभी लोग उनका आदर करते हैं। उनका प्रवचन सुनने के लिए उसके पास हमेशा भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक दिन उस गांव में एक महान गुरु आए। लोग उस महान गुरु के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गांव के लोग महागुरु की तरफ धीरे धीरे खींचने लगे। अब गुरु के पास बस कुछ ही लोग आते थे और वे गुरु से कहते थे कि गुरुदेव, हम तो आपके भक्त हैं। और वह महागुरु महाढोंगी है, महाझूठा है, वे लोगों को भाला फुसला रहा है। और धीरे धीरे सभी लोग उनके बातों की तरफ खींचे जा रहे हैं। और तो और वो आपकी निंदा भी करते हैं कि आपने अपने मन पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं किया, आप झूठ बोलते हैं। अपने भक्तों के मुंह से ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, अगर ऐसा है तो तुम भी वहां जा सकते हो। गुरु की ये बातें सुनकर वे लोग वहां से चले गए। लेकिन रात भर गुरु को नींद नहीं आई। वे रात भर बेचैन रहे। उन्होंने सोचा, क्यों न चलकर देखा जाए कि आखिर ये महागुरु है कौन। अगले दिन गुरु उनके आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत ही भीड़ लगी थी। सभी लोग महागुरु की जय जयकार कर रहे थे। यह बात गुरु को अच्छी नहीं लगी और वे लोगों के बीच पहुंचे और कहा कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ज्ञान दिया और तुमने उन्नति की, और ये झूठा महागुरु ना जाने कहां से आया है, तुम लोग इसके पीछे चल दिए। एक दिन जरूर पछताओगे।
मैं महागुरु को चुनौती देता हूं कि वो मेरे साथ शास्त्रार्थ करे। अगर वे जीत गए तो मैं यह नगर छोड़कर चला जाऊंगा। महागुरु ने गुरु की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों गुरु और महागुरु में शास्त्रार्थ हुआ। धीरे धीरे गुरु हारने लगे। तब गुरु बीच से ही जब गुरु को यह एहसास हुआ कि मैं हारने लगा तो वह तुरंत ही वहां से उठकर चला गया और रात भर यही सोचते रहे कि कैसे ये महागुरु को इस गांव से इस नगर से भगाया जाए। इसके लिए गुरु ने कई षड्यंत्र रचे लेकिन कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आया। अंत में वो परेशान होकर एक रात अपने हाथों में हथियार लेकर महागुरु की हत्या करने की ठान ली और वह कटार लेकर महागुरु के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही गुरु ने महागुरु पर प्रहार करने वाले थे कि तब महागुरु की आंखें खुल गई और उन्होंने गुरु को रोकते हुए कहा, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी भी तुम भ्रम में ही जी रहे हो। अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो यह हथियार तुम्हें किसने थमाया? ये क्रोध जो तुम्हारे ऊपर आया है यह तुम्हें किसने दिया? कौन है इसके पीछे? गुरु ने कहा, यह सभी चीजें आपकी वजह से है। अगर आप यहां नहीं होते तो यह नहीं होता। महागुरु समझ गए कि मन पूरी तरह से गुरु पर हावी हो गया है। उनकी आंखें बंद हो चुकी है और उनकी समझ भी खत्म हो चुकी है। महागुरु ने कहा कि क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरु ने कहा, नहीं। फिर महागुरु ने कहा, क्या तुम अत्याचारी हो? गुरु ने कहा, नहीं। तो अवश्य ही तुम लालची होगे। गुरु ने कहा, नहीं महागुरु, ऐसा नहीं है। महागुरु ने फिर कहा, तो तुम्हारे हाथ में ये हथियार कैसे आए? क्या करना चाहते हो? गुरु ने अपने हाथों की ओर देखा और कतार फेंक दी और महागुरु के सामने झुककर कहा, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद, पर हे महागुरु, मेरे साथ यह कैसे हो गया? मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपने मन पर काबू कर चुका था। महागुरु ने कहा, मन कहीं नहीं जाता है, यह तुम्हारे साथ ही रहता है और तुम जब हारते हो तो यह तुम्हारी जीत के सपने दिखाता है और जब तुम जीतते हो तो ये तुम्हें हार के डर से डराता है। यह तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित भी करता है और तुम्हें असफलता के डर से डराकर तुमसे अनुचित कार्य भी कराता है। और जब तुम मन को काबू करना चाहते हो तो यह तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुमने मन को काबू कर लिया है, पर वक्त आने पर यह तुम्हें ही काबू कर लेता है। गुरु ने कहा, महागुरु, पर यह मन हमारे साथ यह खेल क्यों खेलता है? वह हमें अपने आप ही क्यों नहीं जीने देता? क्यों वो हमें नचाता रहता है? महागुरु ने कहा, मन दोधारी तलवार है और अगर इसे चलाना नहीं आता हो तो इससे अपने आप को भी घायल कर सकते हैं। देखो, तुम हो तो मन है, तुम नहीं तो मन नहीं। तुम्हारे अस्तित्व के लिए मन का होना आवश्यक है। बिना मन के तुम कुछ भी नहीं जान सकोगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। पर मन के साथ भी तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। लेकिन मन के द्वारा तुम बहुत कुछ जान सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गुरु ने कहा, महागुरु, आपने मेरी आंखों को दोबारा से खोल दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम अपने जीवन में अपने मन के अधीन होकर सभी कुछ करते रहते हैं। जो मन हमें बोलता है वो हम कर देते हैं, लेकिन उस काम का परिणाम क्या होगा हम ये ज्यादा नहीं सोचते। मन से ऊपर उठकर उसे जानकर हम उससे काम लेना नहीं जानते और हम अपने मन के अनुसार ही पूरा जीवन बिताते रहते हैं। वास्तव में हमारा मन का कार्य हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए, हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए रास्ता दिखाना होता है।
कार्य अच्छा है या बुरा, कार्य को कैसे करे, कार्य तक कैसे जाए, यह काम मन का नहीं है। वो अच्छे या बुरे दोनों रास्ते दिखाते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करके अच्छे या बुरे का निर्णय ले सकते हैं। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, तो जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ता है तो उस समय उसकी बुद्धि और समझ समाप्त हो जाती है और वह अपने मन के अधीन अपने कार्य को करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर डर का उत्पन्न हो जाता है और डर उसके बुद्धिमत्ता को, उसके समझ को खा जाता है और उसी वक्त मन उस पर हावी हो जाता है और हम अच्छे को छोड़कर बुरे रास्ते को चुन लेते हैं। मन एक खुली शक्ति है, यह बहुत पावरफुल है, जिसे अगर खुला छोड़ दे तो यह हमेशा बर्बादी की ओर ले जाएगा, क्योंकि वहां आराम है, वासना है, लालच है। लेकिन अगर मन को कंट्रोल किया जाए तो ये आपको एक असीम ऊंचाई तक ले जाएगा, एक सफल व्यक्ति बनाएगा। इसीलिए अपने मन को जितना हो सके उतना सूक्ष्म करो। ये आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने समझ के द्वारा कर सकते हैं। अगर ऐसा आपने कर लिया तो आप अपने जीवन में बहुत ही जल्द एक अच्छी बदलाव देखेंगे। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।